पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं। टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें फेम दिव्यांका त्रिपाठी। जी हाँ, इस सीरियल में दिव्यांका त्रिपाठी ने डॉक्टर इशिता का किरदार निभाया था। तो वहीं इस किरदार के जरिए दिव्यांका त्रिपाठी इतनी फेमस हो गई कि उन्हें हर कोई जानता और पहचानता है। दिव्यांका त्रिपाठी कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और वहीं अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा से ही दर्शकों के दिलों पर राज करती आई हैं। बता दें आपको, दिव्यांका त्रिपाठी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये राज जुड़ा हुआ है उनकी जिंदगी से। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में दिव्यांका ने इस बात का खुद खुलासा किया है जब उन्हें किसी ऐसे शख्स ने बहुत ही गलत ढंग से छुआ था। जी हाँ, दिव्या ने अपनी इस राज को खुद बताया है और उन्होंने कहा कि किसी शख्स ने एक गलत ढंग से छुआ था और उन्हें जब छूने की कोशिश की थी तो उन्होंने उसे करारा जवाब भी दिया था। दिव्यांका ने कहा कि ये एक थिएटर में हुआ था। ये बात तब की है जब मैं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में टिकट्स ब्लैक में बिकते थे, तो उस समय लोगों की काफी भीड़ हुआ करती थी। मैं उस समय एक फिल्म देखने गई थी और उस समय भी टिकट खिड़की पर काफी भीड़ थी। वहां भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स ने मुझे गलत ढंग से छुआ था। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना आपा खो दिया, उसका हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से अलग होकर खींचने लगी। वो भागने के लिए भीड़ से निकल रहा था लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसी के साथ खींचती हुई बाहर आ गई। उसके बाद मैंने उसका चेहरा देखा और मैंने जोर से उसे एक थप्पड़ लगा दिया और फिर वहां पर मौजूद लोग उस पर हावी हो गए थे। सो फ्रेंड्स, ये था वो राज जिसका खुलासा खुद दिव्यांका ने किया है। बता दें आपको कि इन दिनों दिव्यांका अपने पति विवेक दहिया के साथ लॉकडाउन के दौरान घर में टाइम स्पेंड कर रही हैं। तो वहीं घर में रहने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं। जी हाँ, दोनों ही घर में रह रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग रूम में रह रहे हैं। इस बात का खुलासा बीते दिन दिव्यांका ने खुद अपनी एक पोस्ट के जरिए किया था। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों, आज इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।